अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वो मार्केट वाली कुरकुरी वाली जो टिक्की होती है ना, जो चौपाटी में या स्ट्रीट के साइड में मिलती है, वो ऐसा घर पे नहीं बन पाती है, बिल्कुल वैसा वाला टेस्ट नहीं आता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी और आपकी टिक्की भी बनेगी 100% कुरकुरी। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। इसके लिए मैंने 8 से 10 आलू को पहले से बॉईल करके छील के रखा है। इसको अभी हम ग्रेट करेंगे बड़े वाले साइड से, तो अच्छे से ग्रेट करते जाइए। तो यहाँ पे आता है आपका पहला टिप। मैंने क्या किया था ना, आलू को 4 से 5 घंटा पहले ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था, तो उसकी जो एक्स्ट्रा नमी होती है वो सूख जाती है। और ग्रेटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो टेक्स्चर है ना, वो एकदम इवन आता है, टेस्ट भी बढ़िया आता है और ज़्यादा क्रिस्पी बनती है आपकी आलू टिक्की। तो बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि फ्रेशली गरम गरम बॉईल आलू को ग्रेट करके उसे टिक्की मत बनाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती है, एकदम नरम सी पड़ जाती है। आप चाहे तो एक दिन पहले भी आलू को ग्रेट करके रख सकते हैं। तो सारे आलू अच्छे से मैंने ग्रेट कर दिए, ये देखिए कितने बढ़िया लच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, बस आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, और फिर फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून बस अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर बाइंडिंग और क्रिस्पीनेस के लिए मैं डाल रही हूँ करीबन 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप एरा रूट का पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके आलू ज़्यादा गीले हो गए ना फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए, आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर दीजिए, और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, बढ़िया सी बाइंडिंग भी हो जाएगी और बाहर की लेयर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी इसकी वजह से। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए, जैसे सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए और आटे जैसा तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स, ये आटा आपने देखा, आपने इसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है, इसमें जो होता है ना एकदम बेसिक फ्लेवर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम भरने वाले हैं बढ़िया से चटाकेदार स्पाइसी फिलिंग। तो ये हो गया है, ये देखिए आटे जैसा आ गया है। इसको हम क्या करेंगे ना, फ्रिज में रख देते हैं, तब तक ही हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, एक पैन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून तेल। गरम होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग फ्लेवर और टेस्ट के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के, ये देखिए बारीक कटा हुआ अदरक, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चाट में क्या होता है ना, जो ये जो स्टफिंग है उसका मेन एकदम एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे अदरक और मिर्ची का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका ही मेन फ्लेवर आता है स्टिक्की में। तो इसको अच्छे से पका लिया मैंने 1 से 2 मिनट के लिए, ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, कच्चापन निकल गया। तो अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, क्योंकि हम डालने वाले हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी। आप चाहें तो इसके बदले लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, हल्की सी खटास आती है ना, बहुत अच्छी लगती है टिक्की। और अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए तेल में कितने बढ़िया से भुन रहे हैं, और अच्छे से जो उसका स्वाद है ना वो निकल के आता है। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रेंड्स मसाले जले ना, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए अच्छे से मसाले भुन गए, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया था फ्रोजन मटर, आप चाहे तो इसके बदले बॉइल्ड मटर भी ले सकते हैं। इसको हम हल्का सा चला लेंगे, ये देखिए मटर एकदम दरदरे टेक्सचर के हो गए, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमको चाहिए। इसको डाल देंगे इसके ऊपर, मसालों के ऊपर, और इसको मिक्स करते जाएंगे, तो हमारी बढ़िया सी चटपटी मसालेदार फिलिंग तैयार हो जाएगी मटर की। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स फ्रोजन मटर यूज़ किया, आप चाहे तो फ्रेश मटर को बॉईल करके भी उसको हल्का सा मिक्सी में चला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो फ्रेंड्स आधा मटर यूज़ कर सकते हैं, और आधा ना बॉईल की हुई चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपको इसको एक्स्ट्रा रिच बनाना है तो यहाँ पे आप छोटे छोटे पनीर के पीसेस भी डाल सकते हैं। ये देखिए स्टफिंग कितनी बढ़िया सी रेडी हो गई है। अच्छा, अब अगर आप ये स्टफिंग डालेंगे ना डायरेक्टली टिक्की में, तो वो थोड़ी सी इधर उधर घूमने लग जाएगी, मतलब कि वो ना एक जगह रहती नहीं है, थोड़ी सी बिखर सी जाती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो आलू हमने बना के रखा था ना बाहर की कवरिंग के लिए, उसमें से थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे करीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और ये बॉयल किया हुआ आलू का मसाला इसमें डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे।
तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अब क्या होगा ना, स्टफिंग थोड़ी सी क्रीमी जैसे हो गई है, मतलब एकदम खुली खुली नहीं है, ऐसा नहीं कि इधर उधर भाग जाएगी, एकदम सेंटर में स्टिफ रहेगी ऐसे थोड़ा सा आलू डालने से, और टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं आएगा। फिर हम डाल देंगे फ्रेश धनिया और इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से स्टफिंग तैयार हो गई फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसके बढ़िया से पराठे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मैंने खुद ट्राई करके देखा है। तो चलिए टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों में हल्का सा तेल ले लेंगे, आलू का मसाला ले लेंगे सबसे पहले, जितना छोटी या बड़ी टिक्की आपको बनाना है। इसको फ्लैटन आउट कर देंगे और सेंटर में हम डाल देंगे ये देखिए करीबन एक टेबलस्पून भर के ये हरी वाली स्टफिंग मटर की, और इसको चारों तरफ से ऐसे सील करके वापस फ्लैटन आउट कर लेंगे और रोल रोल कर लेंगे एकदम बढ़िया से टिक्की बनाने के लिए। आप चाहे तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बना सकते हैं, इसको रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो इसी तरीके से आजकल टिक्की बनाती हूँ, आप अपने घर पे कैसे टिक्की बनाते हैं मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा, खास करके आलू टिक्की स्टफिंग के साथ बनाते हैं कि बिना स्टफिंग के बनाते हैं। तो इसी तरह से सारे टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई है स्टफिंग के साथ, तो इसको प्लेस कर लूँगी प्लेट में। अब पकाने के पहले ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक और बढ़िया सा टिप आता है, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे, डस्ट कर लेंगे बिल्कुल हल्का सा कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे आगे पीछे सिर्फ तरफ स्प्रिंकल कर लीजिए और एक्सेस जो है ना उसको निकाल दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी जो टिक्की है ना तेल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और एक्स्ट्रा क्रिस्पी करारी बनेगी। तो फिर एक बड़े से तवे में या फिर पैन में गरम करेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें प्लेस कर लेंगे सारी टिक्कीस। तो सारे एक के बाद एक प्लेस करते जाइए। और इसको पकाएंगे पहले इस तरफ से 2-3 मिनट के लिए, और इसको हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे, बहुत हाई पे नहीं और बहुत लो पे तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए एक तरफ से हो गई है, मैं आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ, बढ़िया सा क्रिस्पी करारा कलर आया। तो इसी तरह से सारी टिक्कियाँ पकाते जाएंगे और फ्लिप करते जाएंगे जैसे आपको ज़रूरत पड़े। लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तक के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी ऐसी रेसिपी मिस ना हो। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ दोनों तरफ से परफेक्टली पक गई है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है फ्रेंड्स। इसको हम देंगे बढ़िया सा मैजिक स्ट्रीट स्टाइल। तो सारी टिक्कियाँ सबसे पहले हम साइड में रख देंगे तवे के कोने पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्ट्रीट्स में आपने देखा होगा या फिर शादियों में देखा होगा वैसा। और एक टिक्की यहाँ पे लेंगे सेंटर में पकी हुई, और इसको हम फ्लैटन आउट कर देंगे ऐसा, एकदम चपटा लेंगे स्पैटुला से या फिर खुरपी से। सुपर। और अब इस टिक्की को मीडियम हाई फ्लेम पे क्रिस्पी करारा करेंगे, जितना आपको क्रिस्पी बनाना है। तो इसको फ्लिप करते करते एकदम सुपर क्रिस्पी कर लीजिए, देखिए कितनी ज़्यादा करारी हो गई, मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। और इस गर्मा गर्म, बिल्कुल गर्मा गर्म टिक्की को तुरंत हम डाल देंगे दोने के ऊपर। वाह, ऐसी टिक्की मिल जाए तो घर पर मज़ा ही आ जाए। और दोने के ऊपर डालने के बाद मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ, सुन सकते हैं आप कितनी ज़्यादा करारी बनी है। तो इसको अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा तोड़ सकते हैं या फिर और थोड़ा सा फ्लैटन कर सकते हैं, और इसके ऊपर फिर डालेंगे थोड़ी सी दही, खट्टी मीठी जैसी आपको पसंद हो। अगर आपके पास बचा हुआ रगड़ा है या फिर लेफ्ट ओवर छोले वो आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, इमली की चटनी, हरी चटनी, ओ माय गॉड, थोड़ी सी हरी मिर्चें स्पाइसीनेस के लिए, धनिया, थोड़े से अनार और बीटरूट के लच्छे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको सर्व किया जाता है स्ट्रीट्स में या फिर शादियों में। लग रही है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार। इसी तरह से सारी टिक्कियों का चपटा के चाट बना लेंगे। लग रही है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इसे तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए।